हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वायरस को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव वालों की तारीफ की। हुड्डा का कहना है कि सभी गांव वालों को ठीकरी पहरा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से घरों में रहकर लड़ाई जीतने की अपील भी की। ज्यादा मेहनत से, जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों में कोरोना के मामलों में पॉजिटिव, कोरोना के पॉजिटिव आने वाले मामलों में पूरे देश में वृद्धि हुई है। ऐसे में ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम सभी भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे बाकी सावधानियां हो, उनका पालन और ज्यादा मेहनत से करें। मैं भी एक और आग्रह आपसे करना चाहता हूं इस विषय में। अब समय आ गया है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने गांव और अगर शहर में है तो शहर में अपने मोहल्ले गली का की भी पहरेदारी करें, क्योंकि अभी तक भगवान के आशीर्वाद से हमारे पूरे इलाके के अंदर कोरोना के मामले न के बराबर है। ऐसे में पहरेदारी हमारे काम आएगी। पहरेदारी कई गांव में टीकरी पहरे शुरू हो चुके हैं, जिनमें नहीं भी शुरू हुए उनमें करने की आवश्यकता है। और टीकरी पहरों में भी केवल गांव के सरपंच पे या चौकीदार पे या शहर में अपने वार्ड के पार्षद पे हम नहीं छोड़ सकते। हमने समझदार बालकों ने इसमें खुद थोड़ी बहुत रुचि लेनी पड़ेगी, मगर सावधानी बरतते हुए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गांव में कोई अनावश्यक आई जाई ना हो, गांव के बॉर्डर सील हो। मैं मानता हूं कि मानवता के आगे जो एक राक्षस रूपी कोरोना खड़ा है, दुनिया में सारी लड़ाई, हर लड़ाई को जीतने के लिए हमें अपने घर से निकलना पड़ता है, अपने गांव से निकलना पड़ता है, मगर ये पहली लड़ाई है जिसमें हम अपने घर में रह के लड़ाई जीत सकते हैं। इस मूल मंत्र का आपको और हमको अच्छे से और पालन करना है, ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे, हमारा घर सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे।